Hi dear, myself Sushmita Ojha. Welcome to Smarty Guide. आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ Java की compiler, interpreter and JVM कैसे काम करती है, JVM के अंदर क्या क्या रखा है and पूरा जो process Java जैसे run करती है, ये मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूंगी, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है। और पहले जो बताऊंगी वो है बेस, अभी से आप लोग इंतजार में है कैसे जावा के प्रोग्राम रन करते हैं और क्या क्या किया जा सकता है जावा के प्रोग्राम रन करने के लिए एंड क्या क्या लिखना पड़ता है। पहले जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, क्योंकि जावा के प्रोग्राम दिखा दूंगी तो आपको थोड़ा सा और भी इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने के लिए। तो चलिए पहले प्रोग्राम दिखाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कैसे रन किया। समझाने के लिए पहले प्रोग्राम लिखना जरूरी है, उसके बाद आप समझ जाओगे कि एक के बाद एक कैसे लिखा गया। तो इसलिए पहले मैं आप लोगों को प्रोग्राम दिखाऊंगी और क्या क्या हुआ प्रोग्राम रन करने के टाइम पे ये मैं बता दूंगी। पहले जो है मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस लिखूंगी, उसमें प्रोग्राम लिखूंगी नोटपैड प्लस प्लस पे। तो आप लोग नोटपैड प्लस प्लस और नोटपैड किसी भी चीज यूज कर सकते हो। नोटपैड प्लस प्लस मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें नोटपैड से ज्यादा फीचर्स है और यहाँ पे लाइन बाय लाइन नंबर वाइज लाइन आती है, तो इसलिए समझाने में आप लोगों को इजी होगा। किसी भी बड़ा प्रोग्राम लिखोगे तो लाइन नंबर से आप लोग जान पाओगे कि इस लाइन पे एरर आया, इसलिए पहले प्रोग्राम नोटपैड प्लस प्लस में सीखना जरूरी है, क्योंकि एक डेट से कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर हम नेटबीन या इक्लिप्स यूज करेंगे पहले तो जान नहीं पाएंगे कैसे डेट से कंपाइलर काम कर रही है। नोटपैड प्लस प्लस पे लिखेंगे तो ये समझ में आएगा कि डेट से कैसे काम करती है और वहाँ पे लिखना पड़ता है कब कंपाइलर काम करेगा कब इंटरप्रेटर काम करेगा। इसलिए पहले मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज करके बताती हूँ। और ये नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड नहीं किया है आप सिस्टम पे तो डाउनलोड कर लो, इजी है। गूगल में जाके नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड लिखने से ही आपकी डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद इंस्टॉल कर लेना नेक्स्ट नेक्स्ट करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ना कर पाया तो मुझे कमेंट सेशन में बताना तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कैसे इंस्टॉल करते हैं। और जब मैं नेटबीन या जेटबीन और इक्लिप्स में दिखाऊंगी आप लोगों को इंस्टॉल करके, तब मैं बता दूंगी कि नोटपैड प्लस प्लस कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलो पहले मैं दिखाती हूँ कैसे जावा की प्रोग्राम लिखा जाता है। तो लेट स्टार्ट, यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस है, या अगर यहाँ पे सर्च में आके नोटपैड लिखने से ही नोटपैड प्लस प्लस आ जाएगी। यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस आ गई और ये खुल जाएगी, तो इस फाइल पे जाके न्यू फाइल लिख करके एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, जावा ट्यूटोरियल बोर्ड के मैं दिस पीसी पे आके तुम्हारे सिस्टम का जो ड्राइव है जितने सारा किसी भी ड्राइव पे जाके, जैसे मैं डी ड्राइव पे यहाँ पे क्या किया एक जावा ट्यूटोरियल बोल के एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। तो आप भी वही करना, क्योंकि प्रोग्राम को सही ढंग से रखना, नेमिंग कॉन्वेंशन सही रखना जरूरी है, क्योंकि समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए इजी होता है। एंड पहले जो है प्रोजेक्ट जो लिखोगे, प्रोजेक्ट जो करोगे, तब समझ में आएगी कि किस प्रोग्राम में किस क्लास में क्या यूज किया है। तो इसलिए जावा में सबसे पहले है कि फोल्डर एंड क्लास नेम सही रखना, और जो फोल्डर पाइथन का है उसमें अगर जावा प्रोग्राम लेफ्ट होगे तो दिक्कत आएगी आप लोगों को समझने में एंड ये सही नहीं है। पाइथन एंड जावा एक ही फोल्डर में रखती है, रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर ये रूल्स नहीं है जावा में, अलग अलग से रखो, खुद समझ पाओगे दूसरों भी समझ पाएगी। इसलिए है कि फोल्डर बना के अलग से रखो, पाइथन के फोल्डर अलग होगा, जावा के प्रोग्राम अलग होगा। तो यहाँ पे मैंने जावा ट्यूटोरियल बोल के फोल्डर ओपन कर लिया, उसके अंदर जितने सारे मैं क्लास दिखाऊंगी वो सब, जितने सारे प्रोग्राम दिखाऊंगी वो सब यहाँ पे ही रहे। और यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस पे जाके मैं सेव एज करती हूँ, क्योंकि सेव करना जरूरी है। और डिस पीसी पे जाके डी ड्राइव में, यहाँ पे डी ड्राइव सिलेक्ट करना और डी ड्राइव पे जाके जहाँ पे जावा ट्यूटोरियल है उसको सिलेक्ट करना। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जावा का प्रोग्राम की जो फाइल है उसके नाम देना पड़ेगा, नेमिंग कॉन्वेंशन रखना जरूरी है, क्योंकि पहले जो है
क्लास कैपिटल लेटर में होती है। जावा की जितनी सारी प्रीडिफाइंड क्लास है, बहुत सारा प्रीडिफाइंड क्लास है, पैकेज है, पैकेज के अंदर क्लास है, उसमें सारे के सारे क्लास का नाम कैपिटल लेटर में दिया गया। इसलिए जो हम डिफाइन करेंगे यूजर, तो हम लोगों को क्लास कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ता है, क्योंकि ये रूल्स है। मैं एक क्लास का नाम दे रही हूँ, एक फाइल का नाम दे रही हूँ, जो फाइल का नाम दूंगी वही क्लास का नाम होगा, नहीं तो राम नहीं कर पाएगी। राम करने के टाइम पे वो ढूंढ नहीं पाएगी कहाँ पे क्लास है, क्या दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एक ध्यान से देखना। तो यहाँ पे कॉन्वेंशन से ही रखते हुए एक नेम दे रही हूँ, यहाँ पे दे रही हूँ जावा, कैपिटल लेटर में जे, जे ए भी है जावा। उसके बाद सारे के सारे आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, पर यहाँ पे मैं कैपिटल दे रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर बात कभी स्पेलिंग कैपिटल में रखो तो। यहाँ पे जावा, उसके बाद हेलो जो है वो भी मैं कैपिटल में दे रही हूँ, एच ई डबल एल ओ हेलो वर्ल्ड, डब्ल्यू ओ आर एल डी वर्ल्ड डॉट जावा। जावा का जो एक्सटेंशन है वो है डॉट जावा, जो क्लास का एक्सटेंशन है एंड जावा फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट जावा है। तो क्लास जो रन करेगी डॉट क्लास, जो मैंने डॉट जावा दिया वो क्लास में हो जाएगी। क्यों होगा, क्या होगा, ये सब बता रही हूँ। तो डॉट जावा ये एक्सटेंशन है। तो उसके बाद सेव कर दे, सेव करने के बाद मैं एक क्लास लिख रही हूँ यहाँ पे पब्लिक, पी यू बी पब एल आई सी पब्लिक, उसके बाद क्लास सी एल ए डबल एस क्लास, फाइल का नाम दी हूँ उसका ही नेम दे, मैं जावा जे भी ए जावा हेलो एच ई डबल एल ओ हेलो वर्ल्ड डब्ल्यू ओ आर एल डी वर्ल्ड। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना, और नीचे आके यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा जो मेन लाइन होगा, जो लिखने से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगी, नहीं तो नहीं। और क्यों मैं इस फाइल और क्लास का नाम एक ही दिया, इसके बाद ही बोल रही हूँ। पब्लिक पी यू बी पब्लिक पब्लिक आ गया, स्टैटिक एस टी ए पी आई सी स्टैटिक, वॉइड बी ओ आई डी वॉइड, एक एक का मीनिंग है। इसके लिए मैं अलग अलग सा क्लास दूंगी और समझा दूंगी कि मैं ये सब लिख रही हूँ इसका मीनिंग क्या है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एम ए आई एन मेन ब्रैकेट ओपन फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर स्ट्रीम एस टी आर आई एन जी स्ट्रीम, स्ट्रीम ए है एक क्लास है स्ट्रीम, और इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में होगा। स्ट्रीम जो है वो लिखने के लिए यूज होती है किसी कैरेक्टर को, पर यहाँ पे तो कैरेक्टर समझाने के लिए ही हम लिख रहे हैं, पर ये क्लास है। तो स्ट्रीम ए आर जी आर, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और ये मेन फंक्शन हो गया। ये मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे जो मेन लिखा हुआ है कंपाइलर जो कंपाइल करेगी तब वो वहाँ पे घुसेगी, और ये जो मेन क्लास है ये पब्लिक किया मैंने, ये पहले रन करेगी, पहले कंपाइलर आके वहाँ पे घुसेगी उस मेन पे पूरा, जो अगर 2000 लाइन का भी कोई प्रोग्राम लिखा हो पर कंपाइलर आके मेन को ही ढूंढेगी, वहाँ से ही गेटवे है, उस गेटवे से ही एंट्री लेगी। उसके बाद वो जाके पूरा प्रोग्राम को कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा, कौन सा वे जैसे हम लिखे है वो रन करेगी, पर पहले मेन जहाँ पे भी लिखे हो मेन, और मेन जो क्लास है इसको हम जावा हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है ये जो मेन क्लास है ये जाके मेन क्लास फाइल के नाम से ही होगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि ये मेन क्लास है। इसलिए हम और भी इजीएस्ट कर रहे हैं कि जावा क्लास के नाम से मेन क्लास के नाम से फाइल के नाम हम रख दिए। उसके बाद नीचे आके पर ये जो लाइन हम लिखे क्यों लिखे, मेन क्लास कैसे काम करती है, एक एक करके मैं बाद में और एक क्लास देके समझा दूंगी। सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके सिस्टम एस वाई एस टी ई एम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट एल एन ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करके डबल कोट के अंदर हेलो एच ई डबल एल ओ हेलो वर्ल्ड डब्ल्यू ओ आर एल डी वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड लिख के उसके बाद सेमीकोलन दे देना। एक जावा का प्रोग्राम आप लिख रही हो, ए
जो लिखे हो सिस्टम आउटडोर प्रिंटर के अंदर जो भी कुछ लिखोगे वो सीधे प्रिंट कर देगी, यही है। पर सिस्टम आउट प्रिंटर इस सारे के मीनिंग भी मैं किसी दूसरे क्लास में और एक वीडियो इसके बाद का ही वीडियो में आप लोग को समझा। तो चलिए ये प्रोग्राम हो गया, उसके बाद इसको राम करना पड़ेगा। राम करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो है सीएमडी। सीएमडी क्या है? कमेंट प्रॉम्प्ट। कमेंट प्रॉम्प्ट पे अगर नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में लिखोगे तो कमेंट प्रॉम्प्ट पे जाके वहां पे लिखना पड़ेगा, वहां से ही राम होगा। जिस ड्राइव पे है उस ड्राइव का नाम डी कोलन देके नीचे आके डी ड्राइव पे आ गई आपकी जो जिस फोल्डर में है। तो पहले उसको इंडिकेट करने के लिए डी ड्राइव पे है, इसे डी ड्राइव इंडिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद सी डी देके जिस फोल्डर में है, जावा ट्यूटोरियल फोल्डर में है, जावा अंडरस्कोर टी यू टी ओ आर आई ए एल ट्यूटोरियल और इंटर देना, जावा ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर आ गया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जावा सी और उसके बाद है जावा फोल्डर के अंदर आके जिस प्रोग्राम है उसको रन करेगी जो मैंने सेव कर दिया। हमारी फाइल का क्या नाम है? जावा कैपिटल लेटर में लिखी मैंने, तो इसलिए पहले कैपिटल जैसे कि फोल्डर की नाम है पूरा वैसे ही देना पड़ेगा। जावा हेलो एच ई डबल एल ओ हेलो वर्ल्ड डब्ल्यू ओ आर एल डी वर्ल्ड डॉट जावा, और इसको मैं रन करूंगी जावा लिख के। और इस जो पहले मैंने सी डी जावा ट्यूटोरियल मैंने दिया वो फोल्डर के घुसने के लिए पहले सी डी लिखना पड़ता है, वो उस फोल्डर में कौन चली जाएगी उस फोल्डर को इंडिकेट कर लेगी। तो ठीक है मैं एंटर देती हूँ, एंटर देने के बाद जो दिखाएगी आप लोग देखिए ये क्या हुआ, कंपाइल हो गया। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे आके देखिए जावा हेलो वर्ल्ड बोल के क्लास क्रिएट हो गया। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ और फिर से दिखाती हूँ आप लोगों को देखे पूरा, क्योंकि पहले मैंने दिखाया नहीं कैसे फोल्डर में आया। तो पहले उससे पहले जाके यहाँ पे आ रही डज नॉट एग्जिस्ट, ये अगर आप सेव करना चाहती हो तो यस करो, यस कर दूंगी क्योंकि मैंने डिलीट किया वहाँ पे और ये सेव हो गया, यस किया क्योंकि वो फोल्डर में जो डी ड्राइव जावा ट्यूटोरियल यहाँ पे देखो ऊपर में डी ड्राइव जावा ट्यूटोरियल, फिर से मैंने इसको सेव कर दिया। सेव कर दिया तो यहाँ पे देखो एक जावा हेलो वर्ल्ड बोल के सेव हो गया डॉट जावा, पहले मैंने दिखाई नहीं थी इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो उसके बाद यहाँ पे आके मैं फिर से रन कर रही हूँ इसको, और रन करने के बाद जावा ट्यूटोरियल में जाके अब दिखाती हूँ कि जो जावा हेलो वर्ल्ड है ये डॉट जावा में है और एक डॉट क्लास में आ गई। ये जो क्लास में आ गई क्यों आ गई, ये है कंपाइलर जो है उसको रीड कर लिया। ये जो प्रोग्राम है जावा सी मतलब जावा कंपाइल, जावा कंपाइल हो गया और कंपाइल होने के टाइम पे क्या करती है जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देती है 0111000001 ऐसे करके बाइनरी कोड पे सिस्टम समझती है, जेवीएम समझती है। तो उस जेवीएम को समझाने के लिए बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाइट कोड को कौन रीड करेगी इंटरप्रेटर। यहाँ पे कंपाइलर क्लास में दे दिया ये जो यहाँ पे है, तो क्या करूंगी मैं जावा जो क्लास का नाम है वो मैंने दे दूंगी जावा हेलो एच ई डबल एल ओ हेलो वर्ल्ड डब्ल्यू ओ आर एल डी पूरा सेम टू सेम जो क्लास की नाम है वो मैं दे दूंगी। उसके बाद राम कर देना तो वो देखो हेलो वर्ल्ड जो है वो आ गई, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गई। फिर से अगर राम करूंगी तो सेम ही दिखाएगी जावा हेलो वर्ल्ड। तो आप लोगों को समझ में आ ही गए कि कैसे हम राम किए और यहाँ पे एक क्लास आ गई। इस क्लास को अगर मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में ले लूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये सिस्टम लैंग्वेज पे है। सिस्टम समझाने के लिए, सिस्टम को समझाने के लिए जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन को समझाने के लिए ये है। तो ये हमारी समझ की बात नहीं है, ये सिस्टम ही समझेगी। पर हम समझेंगे क्या, हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम लिखा है डॉट जावा ये हम समझेंगे, हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे और इसके ऊपर ही काम करेंगे। सिस्टम जो होगा वो क्लास में बना दिया वो रीड करेगी, इंटरप्रेटर रीड करेगी डॉट क्लास को। हम रीड करने के लिए जो डॉट जावा यूज कर रहे हैं
उसको हम कंपाइल कर देंगे, उसके बाद जो भी करना इंटरप्रेटर डॉट क्लास फाइल को ले लेंगे। तो मैंने दिखाया प्लाय पहले तो डॉट क्लास में ही थी, उसके बाद हुआ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ जे डी के है और जे आर ई एंड जे वी एम। आप देख रहे हो ये जो पूरा एक राउंड वाला शेप मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, जे डी के एंड जे आर ई एंड जे वी एम, ये तीनों क्या है। जे डी के जो है वो है डेवलपमेंट किट, ये पूरा एकदम जावा का जो हम लिखने से स्टार्ट करते हैं और रन करके खत्म करते हैं उस तक जो सफर है जावा की, वो सारे के सारे प्रोग्राम को एक से बाद एक जैसे काम करेगी। ये पूरा एक जो सिस्टम है उसको हम जे डी के बोलते हैं। जैसे रूम है जहाँ पे हम रहते हैं, रूम के अंदर जो कवर्ड रहती है, जो बेड रहती है, हम लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप वो एक एक चीज है और एक एक चीज को एक एक तरह से हम यूज करते हैं, उसका अलग अलग सा काम है। वैसे ही जे डी के जो है वो एक रूम के तरह है जहाँ पे है जावा सी कंपाइलर है एंड और भी बहुत कुछ फंक्शन है, एचटीटीपी जो फाइल वगैरह जितने सारे वो सब कुछ उस जेडीके के अंदर है। जब मैं आप लोगों को नेट बीन या इक्लिप्स दिखाऊंगी तब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा वहां पे एडिट करना, रन करना और फाइल क्रिएट करना, पैकेज कैसे रखते हैं वो सब कुछ जेडीके के अंदर है। उसके अंदर ही जे आर ई है। जे आर ई क्या है, हम जब सर्वलेट जेएसपी जेडीबीसी यूज करेंगे तब जेडीबीसी का या हाइबरनेट का जो जितने सारे हम प्रोग्राम जावा रिलेटेड यूज करेंगे, जावा को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, जावा की फाइल या प्रोजेक्ट बनाने के लिए जितने सारे यूज करेंगे जावा फाइल की जरूरत। तो जावा में बहुत सारे लाइब्रेरी है, जैसे कि पाइथन है उसे जावा में भी है। सिस्टम इंपोर्ट करना पड़ता है, सिस्टम स्टार लिख के इंपोर्ट सिस्टम डॉट स्टार लिख के एक है जो जावा लाइब्रेरी, और भी बहुत सारा ये जो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटेड लिखा मैंने ये भी एक पैकेज के अंदर है। तो लाइब्रेरी और पैकेज जितनी सारे पैकेज है, स्टार लिखने से सब कुछ इंपोर्ट हो जाती है और ये जो थ्रेड है उसका भी एक पैकेज है, उस पैकेज से जो लाइब्रेरी है थ्रेड का जो लाइब्रेरी है उसको इनहेरिट कर लेगी, इम्पोर्ट कर लेगी, ये सब कुछ जावा में है। जब हम जावा सी लिखते हैं, जावा सी लिखने के टाइम पहले तो जेडीके के अंदर हम प्रोग्राम रखते हैं, जितने सारे जार फाइल वगैरह रहेगी वो सब हम जेडीके के अंदर ले लेंगे, जो भी कुछ लगेगा वो प्रोग्राम बनाने के टाइम पे हम ले लेंगे। जैसे ओ जेडीबीसी बोल के एक जार लगती है जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, एंड हाइबरनेट का भी बहुत सारा जार लगती है जब हम कनेक्टिविटी करते हैं, जब हम प्रोजेक्ट लिखते हैं। तो ये सब करने के लिए पहले हम जेडीके के अंदर रख देते हैं, उसके बाद जब हम रन करेंगे तब एक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है जो इन्वायरमेंट सारे प्रोग्राम को रीड करेगी। ये इनफैक्ट जावा सी तब ही काम करना स्टार्ट कर देगी जो जेडीके के अंदर है। तो और जावा का जो हम लोगों ने क्लास लिखा वो भी रन करेगी, ये सब जावा सी एक के बाद एक जार फाइल को रीड करेगी जो हम यूज किए हैं, जितने सारे क्लास, जितने सारे लाइब्रेरी, जितने सारा पैकेज हमने यूज किया एक के बाद एक रीड करेगी। और एक करने के लिए इन्वायरमेंट की जरूरत होती है एक के बाद एक करने के लिए, जो जे आर ई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो हम जावा सी लिख रहे हैं, मैं जो कमेंट प्रॉम्प्ट पे दिखाया जावा सी उस टाइम पे उस इन्वायरमेंट की क्रिएट कर देती है जो जे आर ई करती है। उसके बाद जब जे आर ई क्रिएट हो गया, जब उसके बाद जब जे आर ई जावा सी को कंपाइल कर दिया और डॉट क्लास एक्सटेंड में आ गया तब क्या होगा, उस टाइम पे आ जाएगी जे वी एम। जावा सी से जे वी एम, जावा सी क्या किया जो मैंने क्लास दिखाया, बाइनरी कोड पे कन्वर्ट कर दिया जो जे वी एम समझ पाएगी। जे वी एम के अंदर है बाइट कोड, इनफैक्ट बाइट कोड को रन करने के लिए इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेटर है वो एक के एक बाद एक जो प्रोग्राम की कोड है वो रीड करने लगेगी और
एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगी, जो JVM जावा वर्चुअल मशीन, और JDK है जावा डेवलपमेंट किट, JRE है जावा रनटाइम एनवायरनमेंट, एंड JVM वो है जावा वर्चुअल मशीन, जो एक मशीन के हिसाब से मशीन के फीचर्स देख के ही बनाया, पूरा एकदम मशीन जैसे दिखने में है। अगर हम दिखेंगे तो मैं एक दिन दिखा दूंगी आप लोगों को ये जावा की जो मशीन है कैसे बनाया गया, और JVM जो मशीन की तरह है पर एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम में इंस्टॉल की है हमने। तो JVM तब बाइट कोड को रन करना स्टार्ट कर देगी, जहाँ पे प्रोसेसर है जावा की उस प्रोसेसर में रन करना स्टार्ट कर देगी, और हम रन किया हुआ जो एग्जीक्यूट होगा हम देखेंगे। तो समझ में आ गया शायद, तो JDK, JRE एंड JDM क्या है समझ में आ ही गई। डॉट जावा को डॉट क्लास पे कन्वर्ट करने के लिए जावा सी ट्रांसफर करती है डॉट क्लास पे, और डॉट क्लास को रीड करने के लिए आ गई इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट कर देगी। यहाँ पे और एक फोटो देखिए आप, डॉट जावा जावा कोड यहाँ पे है डॉट जावा, उसके बाद जावा सी कंपाइलर यहाँ पे है डॉट जावा। इनफैक्ट जो हम इंसान समझने के लिए कोड लिखते हैं, इंसान समझने के लायक जो है वो है डॉट जावा फाइल में ही है, पहले ही जावा कोड डॉट जावा में। तो उसके बाद जावा सी कंपाइलर उस डॉट जावा फाइल को पढ़ती है, उसके बाद वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। बाइट कोड में कौन कन्वर्ट किया? कंपाइलर किया, और उस जो बाइट कोड उसका जो क्लास है वो कौन सा एक्सटेंशन में आई? डॉट क्लास, जो बाइट कोड में है, और उस बाइट कोड को JVM जिसके अंदर इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर किया गया उस डॉट क्लास को रन कर देगी, उसको रीड करेगी एक के बाद एक लाइन पढ़ पढ़ के, जहाँ पे भी एरर रहेगी वो दिखाएगी, और जहाँ पे एरर नहीं रहेगी वो नहीं दिखाएगी, और एक के बाद एक JVM इंटरप्रेटर JVM के अंदर जावा वर्चुअल मशीन के अंदर रहेगी, वो उसको रीड करेगी, और जो भी आप मैक बोलो विंडोज बोलो या लिनक्स उसमें आपको दिखाएगी। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है एंड ओपन सोर्स नहीं, जावा ओपन सोर्स नहीं है, सॉरी जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओपन सोर्स नहीं है, पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है इसलिए बताया क्योंकि एक बार हम लिखते हैं और किसी भी सिस्टम पे जाके, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके हम उसको रन कर सकते हैं। एक बार लिखते हैं राइट वंस रन एनीवेयर, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इसको रन कर सकते हैं, उस फाइल को ले जाए और उसको जो डॉट जावा एंड डॉट क्लास वाला दोनों जाके उस सिस्टम पे रख देंगे तो क्या होगा, और डॉट क्लास वाला जो बाइट कोड वाला है वो बहुत ही लाइट वेट होती है, इसलिए इजीली हम कैरी कर सकते हैं एक सिस्टम से और एक सिस्टम पे। तो ये जो है उसको हम जाके जावा लिख के जो क्लास का नाम है वो दे देंगे तो वो रन हो जाएगी। बार बार जावा सी लिख के ये रन करने की जरूरत नहीं, और जो है बाइट कोड आ जाने के बाद हम कहीं पे भी इसको रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विंडो बोलो लिनक्स बोलो या मैक में जाके हम इसको रन कर सकते हैं, इजीली रन करेगी। लिनक्स पे तो बहुत ज्यादा जावा यूज होती है क्योंकि जावा लिनक्स में ही ज्यादा फ्रेंडली है, और विंडोज पे भी ठीक है, पर मैक पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इंस्टॉल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम रन करने के टाइम पे भी आ सकती है, बट लिनक्स पे एकदम फ्रेंडली एंड विंडोज में भी इजी है। तो आप लोग ऐसे ही सीखते रहो, पढ़ते रहो, आज मैंने समझा दिया कैसे, और एक बार देख लो ये जो पिक्चर मैंने दिखाया आप लोगों को जावा कोड वाला, ये जो पिक्चर स्क्रीन पे है उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को JDK JRE JVM, याद रख लो JDK जावा डेवलपमेंट किट है, ये रूम के जैसे एक बुक के जैसे है, बुक के अंदर सब कुछ जैसे एक पैकेज आपको दिया गया, उस पैकेज में बहुत सारा गिफ्ट है, बहुत कुछ है, बहुत सारा यूजफुल गिफ्ट है, और वो गिफ्ट अलग अलग से, अलग अलग से गिफ्ट अलग अलग से काम करती है, एक पैकेज आपको दिया गया, ये जो पैकेज है वो JDK है एंड JRE है, जो आप पैकेज खुलने के बाद जो देखोगे गिफ्ट वगैरह जितने सारे गिफ्ट है वो सब अलग अलग सा काम करती है, और ये जो
खुलने के बाद जो काम आप करोगे, इसका जो इन्वायरमेंट, इसका जो जरूरत, कौन सा क्या है, कौन सा गिफ्ट क्या क्या काम में आ सकती है, जो आप सोचोगे कि जे आर ई का काम है, जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जे आर ई, और आप लोग जो सोचोगे वो अलग है। और जे आर ई के बाद जे वी एम जावा वर्चुअल मशीन कैसे कैसे काम करेगी, ये आप चेक करके देख के उसके बाद रख रहे हो। ये जो जे आर ई है, जे वी एम, जे वी एम का काम है, जैसे आप एक एक यूज करके दिखोगे कौन कौन सा का क्या काम कर रही है और एग्जीक्यूट क्या आ रही है, काम कैसे कर रही है, ये आपकी सोच है और आप देखेंगे वैसा काम जे वी एम करेगी, जो चेक करके दिखेगी एरर है या एरर पहले ही पता चल जाएगी जब आप कंपाइल करोगे। और अगर नेट बीन या इक्लिप्स से करोगे तो आपको पहले ही समझ में आ ही जाएगी कि काम कहाँ पे एरर है, तो कंपाइल टाइम एरर है, रन टाइम एरर है, जो पहले आपको कंपाइल टाइम पे दिखा देगी कौन सा लाइन पे आप गलत लिखी हो। अगर कंपाइल में पहले ही प्रोग्राम में एरर रहेगी, और कुछ है जो रन टाइम में जे आर ई के टाइम पे भी एरर दिखा सकती है, जे वी एम के टाइम पे भी दिखा सकती है। जे वी एम है जावा वर्चुअल मशीन, जो एग्जीक्यूट करेगी और किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके हम कर सकते हैं। तो समझ में आ ही गई आप लोगों को, ये जो दोनों पिक्चर है ये मैं दे दूंगी मेरी फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पे, जो आप देख पाओगे और आप लोगों को इजी होगा समझने के लिए। तो ये दोनों मैं दे दूंगी, और जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम ध्यान से देखना, क्योंकि कैसे राम हुआ, ये कैसे हम लिखे, और एक बाई एक लाइन मैं नेक्स्ट क्लास पे आप लोगों को समझा दूंगी। नेक्स्ट क्लास वीडियो पे शायद नहीं होगा, क्योंकि और अलग सा कुछ दिखाऊंगी, उसके बाद हेलो वर्ल्ड का फिर से क्लास में दे दूंगी। इसके बाद तक जो मैं वीडियो दूंगी उससे और भी ज्यादा पूरा प्रोग्राम को मैं समझाऊंगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चलो बाय बाय।